तो हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रीट फूड करने, लेकिन कहाँ पर आए हैं? जूते की शॉप पे। हम लोग का किस्मत ही खराब है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटाबुलस। सो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी फूड ब्लॉग के ऊपर ही होने वाला है। ये जो फूड ब्लॉग था, ये हमने उसी दिन शूट किया था जिस दिन हमने हमारे पहले वाले वीडियो का शूट किया था। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ जो है कि मैं वीडियो दे नहीं पाया था, क्योंकि दो तीन दिन हो गया वीडियो नहीं डाले हुए, क्योंकि हमारा सेमिस्टर जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज फिलहाल पूरा कंप्लीट हो गया हर सब्जेक्ट का। और एक चीज़ मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है, सेमिस्टर एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम, वो मार्च के 15 से 16 तारीख के बीच में है, बट अभी तक हमको कोई रूटिंग भी नहीं मिला। तो एमिक्स वालों कर क्या रहे हो, दे दो पहले रूटिंग, उसके बाद बाकी का सब कुछ होगा। तो यूनिवर्सिटी के मैंने ऑफिशियल पेज में भी जाके देखा, वहाँ पे भी मुझे कोई भी BA LLB का कोई भी रूटिंग नहीं देखने को मिला। तो फर्स्ट सेम का क्या हुआ है अभी तक कुछ समझ में तो आ नहीं रहा हमारे। तो देखते हैं, और एक दो दिन के बाद अगर रूटिंग दे दिया तो अच्छा, नहीं तो नहीं दिया तो और क्या बताओ, सबका एक ही हाल है। तो चलो वीडियो में एंटर करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं आरामबाग में। तो यहाँ का आज छोले भटूरे हम यहाँ पे टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो बनता कैसे है और खाने में भी कैसा है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। फूड ब्लॉगिंग होने वाला है यहाँ पे, तो भैया लोग बना रहे हैं, देख सकते हो। तो कैसे बनता है वो आप देखो। सो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो देखते रहो और उसके बाद आप रिव्यू देते हैं कि खाने में कैसा है। देख ही सकते हो हमारा पूरा प्लेट आ गया बंटन के। तो यहाँ पे क्या क्या है थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। पहले देख ही सकते हो सलाद है, उसके बाद एक सब्जी है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा चटनी दिया हुआ है और दो पूड़ी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको खा के बताता हूँ लग कैसा रहा है खाने में। रुको जस्ट अ मिनट, गरम है वैसे तो। सो पहला बाइट ले रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा है। प्राइस रेट के हिसाब से बहुत अच्छा है, गरम है, मुंह में बोलने कुछ लायक है नहीं, जल रहा है मुंह। तो खा के बताते हैं और भी कैसा लगा खाने में। और हमारे और एक जो शख्स है वो भी आपको रिव्यू देंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बंदे के पास कभी रिव्यू मत लेना, वो स्पॉन्सरशिप ले सकता है। तो इसको भी खिलाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कैसा लग रहा है, ठीक है? तो पहले खाते हैं उसके बाद। एक चैलेंज ले रहा हूँ, ये पूरा खत्म कर दूंगा। 100 सब्सक्राइबर चाहिए। मिर्ची खाकर कैसा लग रहा है? ऑसम ऑसम। अरे कुछ है नहीं, आप भी खा सकते हो। भैया खड़े हैं बहुत बहुत समय से, हम खाए जा रहे हैं, भैया कभी बारी आएगी उसके बाद उनको देंगे। सो भैया से पूछने की कोशिश करेंगे कब तक दुकान खुलता है हफ्ते में, और भैया से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो भैया हिंदी नहीं बोल सकते, बंगाली बोलेंगे, तो हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे आपको। तो देखिए तुम्हें बांग्ला बोलो, मैं हिंदी तो बोलेंगे, ठीक है? तो भैया हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है? चार बजे से रात 10 बजे तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा छोले भटूरे। और भैया के पास अगर आना हो तो आपको आना पड़ेगा गोरटी मोड़, और उसके बाद यहाँ पे एक शनि मंदिर है, तो शनि मंदिर के एकदम सामने आना पड़ेगा, तो भैया को आपको मिल जाएगा। तो एकदम पूरा दिखा देता हूँ। सो ये हम है, ये और एक यूट्यूबर प्रदीप दा है, और ये हमारा जूता है जो कि फिलहाल सील रहा है।
सो निकले थे तो ब्लॉक करने और हो गया कुछ ये हाल। नीचे दिखा दो जूता पूरा फट गया, फट नहीं गया कट गया, तो हमारा भी हल्का से कट गया। अभी जूता सिलवाने आए हैं तो उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और प्रदीप कुछ कहेंगे? हम लोग का हालत पतला है, हम लोग लीग लेते स्ट्रीट फूड करने, लेकिन कहाँ पर आए हैं जूते की शॉप में। हम लोग का किस्मत ही खराब है। चलो गरीब इतना है, गरीब जूता भी फट गया, गरीबों का संसार। ठीक है चलो चलो दोस्तों, ये हम हैं, ये जूते का दुकान है और हम लोग का वाट लगा है। আর ফুড ব্লগিং এ বেচলাম ভাই, হলোটা কি হয়ে গেল, জুতোর দোকানে এসে বসে আছি, মানে ট্র্যাজেডি শেষ নেই, কিছু করার নেই, আমাদের ট্র্যাজেডি শেষ নেই। বছরে একটাকে এক একটা করে ব্লগ ডালি, সেই ব্লগের মধ্যেও মানে ফাড়া আছে আমাদের কপালটা। এই দেখুন কপালটা, কপাল খারাপ করতে চক চক করছে, চক চক করছে না, কপাল খারাপ করতে চক চক করছে, মোদিয়া তো মুমকিন না। এই কাট 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 सो हम निकले थे ब्लॉग करने, हो गया कुछ और, हमारा जूता गया कट, तो जूता गया कट, इतनी बुरी हालत है। 500 रुपये का नोट निकला, हमको फेंक के मारा 500, क्योंकि हमारा बजट हुआ था 5 रुपये, तो भैया ने हेल्प कर दिया 5 रुपये दे के, उधार है उनसे 5 रुपये, इंटरेस्ट समेत आपस लेंगे। 5 रुपये का कितने इंटरेस्ट होगा, 5 रुपये का कितने इंटरेस्ट होगा बोल दो, कैलकुलेट कर रहे हैं, रुको रुको कैलकुलेट कर रहे हैं, जब पता चलेगा बता देंगे। अच्छा जब वीडियो पढ़ो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार में हमसे एडिट होता नहीं है, आपके आपसे एक बार में हो जाता है, एडिट हो जाता है आपसे, 4-5 बार ट्राई करने के बाद एडिट करते हैं। मैंने पहले देखो, हम लोग कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर है नहीं और न ही एडिटर है, फिर भी जितना कोशिश करते हैं हम लोग की बेस्ट देने के लिए। हम क्या करते हैं थोड़ा सा बता दें, पहले तो वीडियो जितने भी फुटेज है एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो करने बैठते हैं, देखते हैं मेन सीन कौन सा है, तो उसको सजाने के बाद और मूड नहीं रहता बंद कर देते हैं, उसके दिन और थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद और थोड़ा सा करते हैं, फिर एक जाके एक जगह पे आते हैं। तो आप की वैसे ही करते हैं क्या, थोड़ा सा अलग है? हम पूरे वीडियो क्लिप को एडिटिंग मिलेगा चला दें, चालू करके देखते हैं, उसके बाद कट कट करके एडिट करते हैं, एडिट करके पूरा वीडियो को फिर से देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं जो दोबारा पर डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर दोबारा उसे कट करते हैं, करके फिर एडिट करके उसे लाते हैं, मतलब उसे 2-3 बार ट्राई करने के बाद। एक ही मसला है दोनों का। अच्छा एक सच्ची बात बताना, जब एक बार पूरा वीडियो का कंप्लीट करते हो एडिट करने के बाद, उसके बाद यूट्यूब में अपलोड करते हो, उसके बाद देखने में अच्छा लगता है वीडियो कि बोरिंग लगता है? बोरिंग इसलिए लगता है, ऑनेस्टली बताता हूँ, बोरिंग लगता है क्योंकि वीडियो को हम लोग एडिट करने के बाद इतना बार देखते हैं कि उसे दोबारा देखने में मजा नहीं आता, ये सबके साथ होता है। तो हमारा जो फूड ब्लॉग का सफर था वो यहीं पे अंत होता है आज के लिए। नेक्स्ट और कोई वीडियो में हम फूड ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, फूड ब्लॉग को अंत करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब भी ज़रूरी है, लाइक भी ज़रूरी है और आपका प्यारा एक कमेंट भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। और मिलते हैं आपके साथ और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल बाय, अच्छे रहे, खुश रहे और चैनल के साथ रहे, तो बाय।